तो हमारे तमाम भोजपुरी जो मीडिया वाले हैं यूट्यूबर्स है सबको प्रणाम, और हमारे पूरा भोजपुरी समाज के प्रणाम। याद नहीं हमने के दिल्ली से और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करके आ रहे हैं टी सीरीज के लिए, और 8 तारीख को मेरा गाना रिलीज होने वाला है। गाना का नाम है नाची का करेज, पर बहुत प्यारा गाना है, आप लोग देखिए और पूरा भोजपुरी समाज हमारा उसको अच्छा से उसको अपना आशीर्वाद दे। सुने हैं कि उस गाने के अंदर बॉलीवुड का कोई तड़का नजर आने वाला है जो भोजपुरी इतिहास में पहली बार ऐसा होने लगा, क्या सही है भाई? ऐसी बात है कि अभी नाम इस तो ना बताइए, पर हाँ बहुत धमाका तो हो ही, कल पोस्टर रिलीज होने वाला देख ले हो। जी, क्या गाना किस प्रकार का, किस कॉन्सेप्ट बेस पे है, क्योंकि साल गुजर रहा है और नया साल का डीजे पे बीट भी बढ़ेगा, बेस भी बढ़ेगा, तो क्या लोगों को डीजे पे नचाने के लिए गाने को देखकर बनाया गया है? मैं ऐसा लाया हूँ कि नया साल को रखते हो और लगन को रखते हो, लगन में तनी मनी सब आजकल नाचे लगा ला, नया साल तक गाना बजाना होगा करी, बिहार में खाली भाजन भलाई ललका बंद पर कमरवा तो हिलबे करी। अच्छा, लेकिन भैया आपकी हीरोइन जो खेसारी जी के साथ चली गई है, क्या बात, आपकी हीरोइन जो है वो खेसारी जी के साथ चली गई है, पूनम दुबे बड़ा साथ में। देखिए पहली बात रवा लोग से हमार बहुत थोड़ा सा शिकायत है आप लोग से, कुछ मीडिया वाले हैं जो बोलते हैं फोन करके सामने से किसी को कि गोलू राज बोलता है कि आप लोग बोलिए उनको क्यों नहीं ले रहे हैं काम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत चूजी मूडी इंसान हूँ, मैं उसी को अपने साथ रखता हूँ जो मेरे लेवल का हो, जिसका लेवल ही नहीं मैं उससे क्या बात करूँ। लेकिन हीरोइन तो आप ही के साथ नजर आ रही थी ना लगातार, आप कर रहे थे ऐसा है ना कि एक कहावत है बहुत प्यारा सा कि लूर लक्षण भाई मोहल्ले पे जाए, कुछ दिन पहले खेसारी को जब मेरे साथ थी तो खेसारी हिजड़ा थे छक्का थे क्या कहली, पर आज वही देखो तनी उनका लगे, मतलब मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया कि मेरे पास है तो मेरे साथ उसका शिकायत, उसके पास है तो उसका, उसके पास है तो उसका, यार क्या तरीका है, मतलब साफ तौर पे क्या गिरगिट करना चाह रहे हैं, मतलब एकदम पूरा प्रेम से गिरगिट, रंग बदलने वाला गिरगिट। कहीं ये स्टार्डम पाने का कोई हथकंडा तो नहीं है कि वो आपको छोड़ कर आप कहीं और चली गई है और वहाँ से कुछ और करना चाहते हैं? स्टार्डम क्या पाई है, तालाब के मेढक तालाबे में शोभा देवे, समुद्र में ना समझ लो, अब खेसारी के साथ कर लो, पवन के साथ कर लो, गोलू के साथ कर लो, कल्लू के साथ कर लो, तो तालाब का मेढक है, मतलब जब मैं पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर हीरोइन में किसी को मानता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हैं तो वो है रानी चटर्जी, सुधी शर्मा, अंजना सिंह, मैं कंटिन्यूस देख रहा हूँ इन लोग को, समुंदर में जाके फोटो खींचेला से भैया रो हीरोइन ना बन जाए, तो गोलू राज तो मॉडल ला के बना के छोड़ दिल, नचावत रहला क्या है यार, हीरोइन स्टारडम ये सब कुछ नहीं होता है। आने वाले टाइम में गोलू राज कहीं फिर से दोबारा पैचअप तो नहीं कर ले भैया, कब भूल के भी जिंदगी में ना हो सके भाई। अब केकड़ा बात चल रहा अपन इज्जत प्यारा, हम लोग चार गो शिकायत कर ले हुई हो खेसारी लगे, तो निश्चित है जब वो मेरे पास मेरे बारे उसके बारे में बोल सकती है तो मेरे बारे में तो जरूर ही बोलती होगी। मैं इतना नहीं जानता हूँ, साल में एक बार टीवी पे आने वाला हीरोइन नहीं होता है, अब मेरे साथ नाचे हिम्मत है तो बड़ा पर्दा पे देखा यार, साल में एक बार टीवी पे आ जाना उसको बड़ा नहीं मानते हैं, और सामने सामने देखते परफॉर्मर है तो उनकी मर्जी किसी के साथ करे, इतना कंट्रोवर्सी क्यों भाई? पहली बात तो हम तो कुछ जानते भी नहीं कि तुम खेसारी के साथ काम कर रही हो कि तुम किसके साथ कर रही हो, पर हाँ अपने बात पे अपने वादे पे अटल रहो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझसे बोला या और भी किसी लोग से बोला कि हाँ भाई खेसारी छक्का है, हिजड़ा है, लचनिया है, वही लचनिया के पास चल गई हूँ, अपन 2 मिनट में चाल दिखा दे लू, गिट गिट जैसा बदल गई। अच्छा, बॉलीवुड का धमाका जो लेकर के आ रहे हैं वो कब आ रहा है और कितनी जल्दी लोगों को मिलेगा? 8 तारीख को रिलीज होने वाला है गाना, जिसका पोस्टर कल आप लोगों को कमिंग सून का मिल जाएगा सुबह में 8 बजे। अपने नए लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या उस गाने में भी नया लुक दिखेगा आपका या फिर अभी जो है फिलहाल नजर आएगा? हाँ मैं ना कुछ भाई लोग हमारी सब शेर लोग भाई हमारे भोजपुरी समाज का पहले ही हीरो थे, आज भी हीरो है और आगे भी हीरो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब कुछ बाकी जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
दर्शकों के लिए यही कहेंगे कि नया साल आप लोग बहुत प्यार से और आनंदित होकर मनाइए और खूब खुश रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, पूरा भोजपुरिया समाज जो है थोड़ा नशा से दूर होके और इसको एकदम लेवल से एंजॉय करते हुए आप एकदम माता पिता के चरणों में रहें और आप लोग का सबका नव वर्ष मंगलमय। थैंक यू।